आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन, खबरों की तहतर। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मथुरा में जल निगम कर्मचारियों का संघर्ष जारी। जल निगम कर्मचारियों का पिछले 4 माह से रुके वेतन, पेंशन और पेंशन देय का भुगतान कराने की मांग को लेकर कर्मचारी एवं पेंशनरों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। जल निगम के 12 खंड कार्यालय प्रांगण में भोजन अवकाश के समय धरनारत कर्मचारियों का सत्याग्रह संघर्ष कार्यक्रम 15वें दिन भी अपनी मांगों को लेकर जारी रहा। कर्मचारियों एवं पेंशनरों ने अब 4 माह के रुके वेतन, पेंशन व पेंशन देयकों का भुगतान न मिलने तथा फील्ड कर्मचारियों के अन्य विभागों में समायोजन होने पर रोष प्रकट किया। संघर्ष कार्यक्रम में आरके सिंह, हरिदेव शर्मा, राजू गोला, महेंद्र सिंह, मुन्ना सिंह, चंद्रपाल सोलंकी, सत्य प्रकाश गौतम, रामबाबू पाठक, भगवान सिंह सिसोदिया, प्रताप नारायण, बहमदेव शर्मा, विनोद कुमार, सोहन सिंह, धर्मपाल सिंह, बलबीर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, रविकांत वाष्णेय, मोतीराम पांडे, रामदास, जयवीर सिंह, सत्यवीर सिंह, प्रेम सिंह, अंगद लाल, हरवीर सिंह, सतीश, प्रेमचंद, अर्पित दीक्षित, संजीव कुमार व सुनीता माथुर आज शामिल रही। न्यूज लाइव संवाददाता अमरेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। बीडीसी सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लगभग हर जिला मुख्यालय पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा अपने अधिकारों की मांग, मुख्यतः विकास निधि व मानदेय आदि की मांग का ज्ञापन सौंपा। इसका नेतृत्व हर जिले में संघ के जिलाध्यक्ष व लखनऊ जिला मुख्यालय पर नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला एडवोकेट, जिलाध्यक्ष मोती यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता के त्रिपाठी और संस्थापक श्री विजय ने किया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला ने कहा कि बीडीसी जनता द्वारा जनता के लिए चुनाव या प्रतिनिधि है, उसको भी अन्य प्रतिनिधि जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिसे विधायक, सांसद, प्रधान उनकी ही तरह विकास निधि व मानदेय सरकार को देना चाहिए, अन्यथा हम 88,800 बीडीसी अपने अधिकारों की लड़ाई हर हद तक लड़ने को तैयार हैं। श्री शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री को ज्ञापित ज्ञापन एसीपी पंकज श्रीवास्तव ने आश्वस्त करते हुए लिया। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। बलिया में प्रबुद्ध सम्मेलन की तैयारियों में जुटे सपा नेता। ब्राह्मण पॉलिटिक्स के जरिए यूपी की सियासी पार्टियां अपना अपना समीकरण साधने में जुटी हैं। अब समाजवादी पार्टी भी 5 अगस्त को छोटे लोहिया कहे जाने वाले जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर उनके जन्म स्थान सोवनथई गांव से प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है। इस कार्यक्रम की तैयारियों में समाजवादी पार्टी के लोग जोर शोर से लगे हैं। वहीं सपा नेता हिमांशु त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनेश्वर मिश्र जैसा समाजवादी नेता कोई पैदा नहीं हुआ, इसकी शुरुआत उसी माटी से करेंगे जहां छोटे लोहिया का जन्म हुआ था। इसको लेकर हम लोगों का कार्यक्रम जो 23 अगस्त था उसको 5 अगस्त किया गया है। प्रबुद्ध वर्ग जोड़ने के सही समय हिमांशु त्रिपाठी ने कहा कि बसपा कभी भी ब्राह्मण के हित की नहीं हुई। भले आज ब्राह्मणों को वोट लेने के लिए ब्राह्मणों से सम्मेलन कर रहे हैं, 2007 में भी ब्राह्मणों को जिस प्रकार ब्राह्मणों का सम्मान नहीं मिला, सपा ही है जो ब्राह्मणों का सम्मान करती है। बलिया से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट। बलिया में क्या 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 कार्यक्रम है 5 अगस्त को, क्या रणनीति है आपकी और क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे ब्राह्मण और प्रमुख सम्मेलन में जो उठाए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एक सम्मेलन है, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन किया गया है जिसमें सब लोग एकत्रित हो रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है इस उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए और उनके उन पर हुए अत्याचारों को उजागर करके उनको उनके नए उपाय के लिए प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन की शुरुआत बलिया से हो रही है, जिसमें 5 अगस्त को स्वर्गीय श्री जनेश्वर मिश्रा जी का जन्मदिन है और जनेश्वर जी के बारे में बताया गया कि शुरू से उन्होंने समाजवाद में रह के एक वर्ग के लिए आगे उन्होंने काम किया है। समाजवाद की परिभाषा का एक सच्चा रूप जनेश्वर जी है। जनेश्वर मिश्र जयंती हुई क्यों चुना गया? प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन
की तैयारी जब हो रही थी तो सबसे पहला दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है 5 अगस्त, जिसमें जनेश्वर जी का जन्मदिन होता है उस दिन। इसी वजह से प्रबुद्ध वर्ग को जोड़ने के लिए, बताने के लिए एक बड़ा दिन है 5 अगस्त, जो हमेशा की छोटे लोहिया के नाम से जनेश्वर जी की पुण्य जब से जन्मदिन मनाया जाता है, इसी जन्मदिन को सुनिश्चित किया गया कि इसी दिन से हम प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन शुरू करेंगे और देश प्रदेश में सब में एक मैसेज देने का काम करेंगे कि किस तरह से प्रबुद्ध वर्ग हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। वही BSP भी कार्यक्रम कर रही है, जिसपे सतीश मिश्रा जी का सीधा आरोप है कि समाजवादी पार्टी कभी भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं किया, और BJP कह रही है कि चुनाव जीतने के लिए ब्राह्मण याद आ रहे हैं। पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रबुद्ध वर्ग, जो ये समाजवादी प्रबुद्ध वर्ग है, ये बहुत पहले से बना हुआ एक संगठन है और बहुत पहले से ही संगठन प्रबुद्ध वर्ग पे काम करता है। जहाँ तक सतीश मिश्रा जी का सवाल है, सतीश मिश्रा जी बहुत ही जानकार रहता है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि उनकी भी सरकार थी, उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कोई भी कुछ भी ना करने का काम किया। वो 2007 से उनकी सरकार थी प्रदेश में, और केवल ब्राह्मणों को जुटला के बहका के उन्होंने अपनी पार्टी में सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से केवल वोट लेने का काम किया, बाकी ब्राह्मणों को वोट के अलावा किसी कभी उसकी बात याद नहीं आती। आप भगवान परशुराम के संस्थापक हैं, जहाँ मूर्ति भी स्थापित किए हैं, तो क्या इसी BSP भी यह दावा कर रही है कि मैं भी परशुराम जी की मूर्ति लगाऊंगी? क्या BSP BJP दावे तो बहुत करती है, अब दावे उन्होंने इतना कर दिया कि जब भी अब चुनाव का टाइम आया तो उनको भगवान परशुराम की मूर्ति याद आने लगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी कभी दावे पे विश्वास नहीं करती। सावन के महीने में तमाम म्यूजिक कंपनियां भगवान शंकर को रिझाने के लिए तमाम एल्बम और गीत तैयार करते हैं। उसी क्रम में शहर के जाने माने एक्टर व गायक अनूप त्रिपाठी अन्नू ने भी अपना एक कर्णप्रिय भजन दर्शकों के सामने ला रहे हैं, जिसकी शूटिंग संपन्न हो चुकी है। गीत भोला की बरात में स्वर अनूप त्रिपाठी अन्नू का है। अवध स्टूडियो में रिकॉर्ड किए गए इस भजन का फिल्मांकन विनय तोमर ने किया, जिसका संगीत सोनू सागर ने तैयार किया। एल्बम में नितिन कुमार, जानकी, प्रीति सागर, CP गुप्ता, समर, दीपक, प्रीत, रीना श्रीवास्तव, आशय सिद्दीकी व नीलम का अहम योगदान रहा। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं KK कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।